आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यू अपडेट, न्यू वर्जन जो रिलीज हुआ है, जो आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या नया आया है, क्या क्या न्यू चेंजेस हैं, आप इन सारे फीचर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम इन सब की बात करेंगे। इसमें कुछ 7 न्यू फीचर्स हैं और कुछ बग फिक्सेस हैं, तो हम बग फिक्सेस अभी हटा देते हैं और हम बात करते हैं न्यू फीचर, जो 7 न्यू फीचर्स आए हैं उनके बारे में। इनमें एक मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही फेवरेट है, वो है नया टेम्पलेट, इससे बारे में हम बाद में बात करेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो टेम्पलेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाऊंगा टेम्पलेट कैसा है, नया टेम्पलेट, और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। बहुत डिमांड में था कि ऐसा टेम्पलेट होना चाहिए जो बुक कीपर में नहीं था अभी तक, स्पेशली अगर आप GST यूज करते हैं तो ये टेम्पलेट आपके बहुत काम का है। तो हम टेम्पलेट के बारे में आएंगे, एक बार हम ये सारे फीचर्स एक बार देखेंगे, हम वन बाय वन हम सारे फीचर्स देखेंगे। एंड आप पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको साथ के साथ आंसर दे पाऊँ। अगर आप नहीं पूछ पाए, कुछ मिस हो गया, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मेल आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, आप हमें support@bookkeeperapp.net पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर जो अभी लास्ट हमने अपडेट में देखा था वो था कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट बुककीपर ने पूरा चेंज कर दिया जो पहले था। पहले एक फर्स्ट स्टेप था, शुरुआत हुई थी जो बुककीपर में था पहले, बट उसे हम सेकंड स्टेप में, जो लास्ट अपडेट आया था 6.3.7 था शायद प्रीवियस अपडेट, उसमें हम इसे थोड़ा और आगे ले गए थे, जिसमें हमने कंपाउंड यूनिट पूरा सिमिलर बना दिया था जैसा टैली में है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कंपाउंड यूनिट कैसे काम करेगा पूरा एक्सप्लेन किया गया है। हमने फ्रूटी का एग्जांपल भी लिया था जो पूरा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। डेट वॉट इज सेकेंड स्टेप। आप जो हम थर्ड स्टेप में लेके जा रहे हैं, ये इसे और एडवांस कर रहे हैं कंपाउंड यूनिट वाले फीचर को। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको, हमने फर्स्ट स्टेज में किया था कंपाउंड यूनिट, जिसमें आप सेट कर सकते थे कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम। ये हमने फर्स्ट स्टेज में किया था, बुककीपर में ऑलरेडी है पिछले 2 साल से, बट इससे प्रॉब्लम कुछ रह जाती है। प्रॉब्लम ये रह जाती है, जब हम इनवॉइस देखते हैं तो वो अच्छे से नहीं दिखता है। इनवॉइस में ऐसा लिखा था 1.3, 1.4, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम पिछले अपडेट में लेके आए, जिसमें हमने सेकेंड स्टेज कवर की कंपाउंड यूनिट की, जिससे हमारे मैक्सिमम यूजर्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैक्सिमम यूजर्स से हमारा फीडबैक आया, हमारा मेल भी आया कि थैंक यू वेरी मच, ये अपडेट आया आपका, आपकी प्रॉब्लम, बहुत सारे यूजर्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड स्टेज में ये जो व्यू की प्रॉब्लम थी, व्यू कंपाउंड यूनिट, जहाँ भी हम व्यू करते हैं, हम इनवॉइस में व्यू करते हैं, रिपोर्ट्स में देखते हैं, आइटम स्टॉक लेवल इंक्वायरी में देखते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कंपाउंड यूनिट की। और अब वहाँ पे आपको ऐसे दिखने लगा, 1 box 10 piece, ठीक है, अब ये ऐसा दिखने लगा वहाँ पे। बहुत ही अच्छा फीचर था ये। अब हम थर्ड स्टेज लेके आ रहे हैं इसी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, प्रॉपर दिखाऊंगा मैं आपको। थर्ड स्टेज में हम ये लेके आ रहे हैं, अभी तक आप जो रेट डालते थे, आपने सपोज फ्रूटी लिया, मैं दोबारा यहाँ पे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आपने फ्रूटी लिया, फ्रूटी का बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर 10 piece हैं। जब आपको बेचना होता है तो आप अभी तक
सॉफ्टवेयर के अंदर, बुक कीपर के अंदर आप ये डाल सकते थे, आप सपोज वन पीस बेचते हैं लेकिन रेट आप डालते थे, जितने का भी रेट है आप डालते हैं 100 पर बॉक्स, ये रेट आप डालते थे। अब आप ये समझिए कि बिल आपने लिया 8 पीस, आपने 8 फ्रूटी ली, 10 रुपए की, लेकिन रेट आ रहा है 100 पर बॉक्स, तो वो अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही प्रॉब्लम थी। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये चीज, कंपाउंड डेमो। हम अभी GST वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, वो आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे लगाते हैं, कैसे काम होता है। अभी मैं आपको सीधा सीधा फ्रूटी का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको देखिए, मैं यहाँ पे आया, यूनिट ऑफ मेजर 8 मैं बना देता हूँ बॉक्स के नाम से, कंपाउंड यूनिट 8 बॉक्स में 10 पीस हैं, बॉक्स ऑफ 10 पीस मैंने सेव कर दिया इसे, बहुत सिंपल। बिल बना देते हैं, उससे पहले मुझे आइटम बनानी पड़ेगी, फ्रूटी बॉक्स ऑफ 10 पीस, और मैंने इसे भी सेव कर दिया। अब एक बिल बनाते हैं, कैश पे ही बिल बना देते हैं, फ्रूटी। मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था आपको ऐसे लिखना है 0-1, अगर आप 8 पीस आप बेच रहे हैं तो, और रेट में आप डालते थे 100। एंड जब आप इसे व्यू करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये देखिए, मतलब आप एक बार समझिए कि फ्रूटी, कोई एक रिटेल पे आपके पास फ्रूटी लेने आया, आप उसको दिखा रहे हैं 0-1, ओके, बॉट्स हाइफन पीस, रेट है 100 पर बॉट्स। आप यहाँ देखिए रेट जो है वो 100 पर बॉक्स है, आप समझिए मतलब कितना डिफिकल्ट है इसे समझना, इसे एनालाइज करना। अगर आपको ऐसी 4 आइटम हैं और 4ों कंपाउंड यूनिट की हैं तो ये देखने में बहुत अजीब सा लगता है। ये प्रॉब्लम आधी सॉल्व हुई, सेकेंड स्टेज पे आ गए, हमारे मैक्सिमम यूजर से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते होते उसमें ये कमी रह गई। तो हम अब थर्ड स्टेज लेके आ रहे हैं इस नए अपडेट में, 6.3.8 में, जिसमें आप रेट डाल पाएंगे पर पीस में, आप पर बॉक्स में डाल सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब आप पर पीस में भी डाल पाएंगे। ये थर्ड स्टेज है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज कैसा दिखता है। नया बिल बनाते हैं, एक बार सेम फ्रूटी डालते हैं, 0-1, 10, यहाँ पे हमने 100 लिखा हुआ था पर बॉक्स, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पर पीस। जैसे ही मैंने रेट पर पीस किया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि पर बॉक्स 100 रुपए का है तो पर पीस 10 रुपए का हो गया, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपने आप 10 रुपए लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आप पुराना सॉफ्टवेयर जो भी आप चला रहे हैं उसमें आपने डिफॉल्ट रेट डाला हुआ है, या पुराना आपने जो भी आइटम बेचा हुआ है, पुराने अपने यूजर्स हो, अपने कस्टमर्स हो, अपने क्लाइंट्स हो, अपनी पार्टी को, या आपने जो भी पुराना सेट किया हुआ है रेट, आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सॉफ्टवेयर इतना कंपेटिबल बनाया है हमने कि आप पुराने वाले में अगर पर बॉक्स आप बेचते थे, यहाँ पे अगर रेट आप पर पीस कर दो तो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा, आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है। ये सॉफ्टवेयर का फीचर है, ये बेनिफिट है सॉफ्टवेयर का। आपने पर बॉक्स रेट डाला था, आप सपोज आपने पहले कोई बिल बनाया हुआ है या आइटम बनाते हो, आपको पता है डिफॉल्ट रेट आता है, डिफॉल्ट रेट आपने बॉक्स का डाला हुआ है, या आपने पहले किसी को बेचा था बॉक्स में, आप क्योंकि ये फीचर अब आया है, तो अब आप जब नया बिल बना रहे हैं तो आप बॉक्स में बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये फीचर यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर पीस में दिखाया जाए, तो जब आप रेट डालेंगे पर पीस, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रेट को पीस में कन्वर्ट कर देगा। अब एक बार बिल देखते हैं कैसा दिखता है, पहले वाला बिल भी देखा था आपने, एक बार बिल देख लेते हैं। यस,
अब आप बिल देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है 1, यूनिट में ऑटोमेटिक पीस आ गया। पहले क्या आ रहा था, बोट्स हाइफन पीस। अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं कैसा आ रहा था ये। एक सेकेंड रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, ये बिल मैं कोशिश करता हूँ यार, मैं आपको दिखा पाऊँ तो साइड बाय साइड, नॉट नाउ, ये मैंने बंद कर दिया इसे। मैं एक बार आपको पुराना बिल भी साथ में ओपन करके दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई, ये पहले वाला बिल था, बिल्कुल सेम है, 10 रुपये का ही बिल है। ओपन इन ब्राउजर, यस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो दोनों बिल मैं साथ में दिखा पाऊँ। यस, अब आप दोनों बिल साथ में देख पा रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा बिल आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा लहजे का लगता है समझने में। आप देखिए दोनों में देखते हैं, क्वांटिटी आ रही है 1, यहाँ पे आ रही है 0-1। पहली चीज, पहला डिफरेंस, जब आप किसी दुकान पे जा रहे हैं या कोई आपके ग्राहक आपकी दुकान पे आ रहा है, जिसने एक फ्रूटी लिया, एक कुरकुरे का पैकेट लिया या एक ड्रिंक ली, कुछ पीने का, एप्पी ली, फ्रूटी ली, माजा लिया, कुछ भी लिया, एक छोटा पाउच, एक बिस्किट का पैकेट लिया, तो 1 पीस अच्छा लगेगा यूनिट में लिखा हुआ, या यहाँ पे 0-1 बोट्स हाइफन पीस अच्छा लगेगा? पर पीस ऑब्वियस, रेट में 10 पर पीस आपको अच्छा लगेगा या फिर 100 पर बोट्स अच्छा लगेगा, आप बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको तो प्रॉब्लम समझ आ गई है। क्या प्रॉब्लम थी जो हमने थर्ड स्टेज में सॉल्व की है, और बिल आप कैसा दिखेगा वो लेफ्ट साइड वाला, ये वाला बिल मैं आपको तो दिखाऊं एक बार दोबारा से। ये बिल आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग और कितना सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल बहुत ही सिंपल, 1 पीस लिखा आएगा, रेट भी पर पीस में आएगा। ये हमारी थर्ड स्टेज कंपाउंड यूनिट की कंप्लीट हो गई। आप सब लोग ट्राई करिए ये फीचर, ये सैम्पल आइटम बना के एक बार आप चेक करिए कैसा लगा आपको फीचर। आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना फीडबैक देंगे हमें, हम उतना समझ पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ तक हम सॉल्व कर पाए। क्योंकि जब हमने सेकेंड स्टेज, जब हमने फर्स्ट स्टेज किया था कंपाउंड यूनिट का, तो हमें बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आई थी, सर इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसमें और डिटेल में चाहिए, हमें थोड़ा और डिटेल में व्यू में चाहिए, हमें रिपोर्ट्स में चाहिए, हम नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे यूजर्स से रिक्वेस्ट आई थी। यस, हमने थोड़ा डिले किया उसे प्रॉब्लम तो समझने के लिए, प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप अगर देखें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, और सबने कंपाउंड यूनिट अपने तरीके से किया हुआ है। जैसे टैली है, बिजी है, मार्क है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी हैं, जो हो, क्विकबुक्स, उन सबने अपने अकॉर्डिंग किया है इम्प्लीमेंट। देन हमने यूजर्स से, कुछ यूजर्स को हमने सेलेक्ट किया एंड उनसे पूछा कि सर आप तो कंपाउंड यूनिट चाहिए तो कैसा चाहिए? तो कुछ यूजर्स ने बोला जी सर मुझे ऐसा दे दो, आप ऑप्शन ए दिया हमने उनको, कुछ ने बोला मुझे ऑप्शन बी दे दो, कुछ ने बोला ऑप्शन सी दे दो, तो बहुत सारे यूजर्स ने अलग अलग किया। तो जिन लोगों ने मेजोरिटी बताया कि नहीं हमें यही ऑप्शन चाहिए, फिर हमने वो स्टडी किया एंड टैली में बिल्कुल सेम फीचर है, एंड टैली ऑलरेडी मार्केट में है इतने टाइम से, तो बहुत हमने स्टडी किया उसका फीचर बिल्कुल ब्रीफ में कि कैसा फीचर है उसमें, कैसे काम होता है, एंड हमने वो सिमिलर फंक्शनैलिटी, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जो टैली यूज कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी बात किया कि ये फीचर आपको कितना हेल्पफुल है, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके यूजर्स थी, तो हमने उनसे भी बात की। एंड देन हम एक रिजल्ट पे पहुंचे और हमने वही सिमिलर फीचर बुक कीपर में लेके आया, जिससे जो लोग हैबिचुअल हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड जो फीचर ऑलरेडी कंप्लीट है उसमें कि कैसे होना चाहिए, हमने वो देख के अपने में इम्प्लीमेंट किया, जिससे हमारे यूजर्स भी वही सेम लेवल की अकाउंटिंग कर पाए और जो ऑलरेडी हैबिचुअल हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। तो ये 3 स्टेजेस में हुआ एंड कंपाउंड यूनिट आई थिंक अब 99.99% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा।
जो किसी भी बिजनेस में है, आप एक बार ट्राई करिए, आप अपना फीडबैक शेयर करिए हमारे से कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, कितना अच्छा फीचर है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है आपकी, आप एक बार चेक करिए ये फीचर। एंड आई थिंक हमने 3 स्टेजेस में ये फीचर पूरा कंप्लीट कर दिया है जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। आप सबके जो भी आप बिजनेस में, रिटेल में हैं, ट्रेडर में हैं, होलसेल में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप जिस भी ट्रेड में हैं, ये कंपाउंड यूनिट का फीचर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आप कार्टन में लेते हैं और बॉक्स में बेचते हैं, या बॉक्स में लेते हैं पीस में बेचते हैं, या आप डजन में लेते हैं सिंगल पीस में बेचते हैं, तो ये हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हमने इसे बहुत अच्छे से चेक किया है, हमने ऑलमोस्ट इसमें 15 दिन लगाए हैं सिर्फ ये फीचर तो चेक करने में कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। एंड सेकेंड कि पुराना जो भी वर्जन था हमारा उससे कंपेटिबल हो, जिससे यूजर को कोई परेशानी ना हो। अगर आपने डिफ़ॉल्ट रेट आप कुछ भी डाला हुआ है आइटम में, प्राइमरी यूनिट में, तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक आ जाए, आपको कोई कैलकुलेशन ना करना पड़े, आपको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े। हमने कोशिश की है कि इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड और थर्ड दोनों एस्टिमेट और परचेज ऑर्डर से रिलेटेड हैं, तो हम दोनों चीज साथ में ही बात कर लेते हैं। मैं ये ब्राउजर बंद, थर्ड पॉइंट से दोनों नए आए हैं अभी, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है एस्टिमेट में। एस्टिमेट में भी इनवॉइस इतना 2 मोड है, ऑन टोटल या पर आइटम मोड। पर आइटम मोड में डिस्काउंट ऑलरेडी था, ऑन टोटल में डिस्काउंट का फीचर नहीं था अभी, लेकिन चाहिए होता है बहुत बार। जब इनवॉइस, जब सामने वाली पार्टी हमारे से कोटेशन मांगती है, तो हम उसमें डिस्काउंट लिख देते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार, मैंने कस्टमर ए कोई आइटम मैंने यहाँ पे डाल दी। डिस्काउंट या सेम इनवॉइस इतना परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं तो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिक। आप टैक्स लगा सकते हैं। एक जो नया फीचर आया है इसमें, ये है डिस्काउंट, अनदर है राउंड ऑफ। एंड इस बार हमने राउंड ऑफ इनवॉइस की तरह ना बना के बहुत ही सिंपल बनाया है इसमें। इनवॉइस में आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग होती है पीछे। इनवॉइस का इफेक्ट आता है अकाउंट्स पे, आप इनवॉइस जब भी बनाते हैं उसका इफेक्ट आता है, कौन से अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा, तो बहुत सारी पीछे कैलकुलेशन होती है। बट एस्टिमेट में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, क्योंकि इनका इफेक्ट अकाउंट्स पे नहीं होता है। आप किसी कस्टमर का एस्टिमेट बनाते हैं कस्टमर के नाम पे, तो उसे अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आप आइटम बनाते हैं तो आइटम का कोई इफेक्ट नहीं आता, आइटम कम ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ऐसा इफेक्ट कम होता है अकाउंटिंग टर्म्स में मैं बात करूँ तो इसलिए हमने राउंड ऑफ बहुत सिंपल किया है। मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 100.20। जैसे ही मैंने रेट डाला यहाँ पे, डिस्काउंट डाला, तो राउंड ऑफ में ऑटोमेटिक माइनस में 0.20 आ गया। ये राउंड ऑफ है ऑटोमेटिक, आप चाहें तो 0 कर सकते हैं, आप नहीं देना चाहते तो नहीं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। ये है राउंड ऑफ। डिस्काउंट एंड राउंड ऑफ, ये दोनों चीज़ें एस्टिमेट में भी नया फीचर में आ गई हैं, एंड परचेज ऑर्डर में भी आप दोनों देख सकते हैं। मेरे पास व्यू करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये एस्टिमेट। ये देखिए, इसमें डिस्काउंट भी आ रहा है और राउंड ऑफ भी आ रहा है ऑटोमेटिक। आप एक बार ट्राई करिए इससे, ये चीज एस्टिमेट में भी अवेलेबल है, एंड सेम चीज आपको परचेज ऑर्डर में भी मिलेगी, राउंड ऑफ यहाँ भी अवेलेबल है। एंड जब आप एस्टिमेट टू इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे, मेक इनवॉइस, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक,
राउंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि राउंड ऑफ को आपको अदर चार्ज में डाल के डालना पड़ेगा मैन्युअली। ऐसा रीजन है पीछे, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा रीजन ये है कि आप जब इनवॉइस बना रहे हैं, मे बी आप आइटम और डाल दें, मे बी कुछ आइटम हटा दें, कुछ रेट में चेंज हो जाए, तो राउंड ऑफ उससे अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है एंड वो आप तो अदर चार्ज में जाके, जैसे आप पहले डालते हैं, आप तो राउंड ऑफ यहाँ डालना पड़ेगा। एंड इसे भी व्यू कर लेते हैं एक बार। पूरा इनवॉइस रेडी है, एस्टिमेट टू इनवॉइस एक क्लिक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फीचर ऑलरेडी है। जो नया फीचर आया है वो है द साउंड ऑप्शन एंड राउंड ऑफ ऑप्शन। चलिए हम आगे अगले फीचर से बात करते हैं, कैश टेंडर इन इनवॉइस। ये ऑलरेडी था बुक कीपर में, कैसे हम ऑन करते हैं, हम ट्रांजेक्शन सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें कैश टेंडर का ऑप्शन ऑलरेडी है, वो हम ऑन कर देते हैं। अब एक बार इनवॉइस बना के देखते हैं, मैं सिंपल आइटम बना लेता हूँ। चलिए एक सिंपल आइटम बना ली मैंने, इनवॉइस बनाते हैं, मैंने ऑप्शन ऑन किया है, ऑप्शन ऑन किया है मैंने, ट्रांजेक्शंस में जाके सेटिंग्स में, ट्रांजेक्शन सेटिंग्स एंड इसमें डिस्प्ले कैश टेंडर और बैंक डिटेल, ये ऑप्शन है ऑलरेडी था, आपको बस वो ऑप्शन ऑन करना है, आपने बंद किया है तो माजा 140। जब आप सेव का बटन प्रेस करेंगे, ये पूछेगा सामने वाली पार्टी ने आपको कितने रुपए दिए, उसने 150 रुपये दिए, आपने 10 रुपये रिटर्न कर दिए, ये है कैश टेंडर। सेव करते हैं इसे, इनवॉइस नंबर 4, एक बार व्यू करते हैं कि इनवॉइस कैसा दिखता है। ये फीचर पहले नहीं था, लेकिन अब ये फीचर आया है कि 40 रुपये का बिल था, कैश रिसीव 50 रुपये हुआ और 10 रुपये आप रिटर्न किए हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये फीचर पहले नहीं था, इसी अपडेट में ये न्यू फीचर आया है कि जब आप कैश पे बिल बनाएंगे तो कितना अमाउंट सामने वाली पार्टी ने दिया था और आपने कितना रिटर्न किया, ये भी इसमें दिखाएगा अगर आपने कैश टेंडर का ऑप्शन ऑन किया है तो। और वो ऑप्शन कहाँ है, सेटिंग्स में, ट्रांजेक्शन सेटिंग में डिस्प्ले कैश टेंडर, इसी के साथ में बैंक डिटेल भी आप डाल सकते हैं। मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ, आपको यही ऑप्शन ऑन करना है एंड ये आपका फिफ्थ फीचर भी कवर करेगा। अभी तक क्या था, हम सिर्फ कैश में हम पूछते हैं कि आपने कैसे पेमेंट किया, बट आप बैंक में अदर स्पोर्ट पार्टी ने पेटीएम से या वॉलेट से या यूपीआई से, गूगल पे आशा इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, उससे पेमेंट किया। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सुरेश, फ़ोन नंबर आप डालना चाहें तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं एंड दिल्ली। तो ये डिजिटल इंडिया चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो हैं वो आजकल कैश कैरी ना करके वो स्कैन करके पे कर देते हैं, यूपीआई से पेमेंट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए हम बेचते हैं इसे एंड देखते हैं एक बार कैसे पेमेंट होती है। हमने क्या किया, वही ऊपर बैंक सेलेक्ट किया है इसमें, ऊपर बैंक सेलेक्ट किया है, नीचे आइटम डाली है हमने और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। पेमेंट मोड क्या था ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन आप डाल सकते हैं। सपोज यूजर ने यूपीआई से पे किया हमें, आप उसका रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए कि जो भी पेमेंट हुआ, बाद में टैली करने, बाद में कंसोलिडेट करना हो, रिकॉन्साइल करना हो तो आपको हेल्प मिलती है।
पेटीएम पेमेंट बैंक से उसने पे किया, कुछ लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर 5 बैंक से पेमेंट हुई है, एक बार हम इसे व्यू करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए कैसे पेमेंट हुआ, वो सारी डिटेल यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। UPI से पेमेंट हुआ है, उसका रेफरेंस नंबर भी आ रहा है यहाँ पे और बैंक का नेम भी आ रहा है यहाँ पर। नॉट ओनली पेटीएम, नॉट ओनली UPI, आप वॉलेट से, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मीडियम से आप पे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इनवॉइस पे दिखाई देगी। अभी तक जो फीचर था वो था ओनली कैश टेंडर के लिए, अब आप बैंक का में भी डिटेल डाल सकते हैं, बैंक से रिलेटेड भी, अगर यूजर ने आपको बैंक में पे किया है। क्योंकि आशा मोस्टली लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो डिजिटल मीडिया से पे कर पाएं, तो वो ऑप्शन भी इस अपडेट में आ गया है। चलिए अगले फीचर की तरफ चलते हैं हम। हमने कुछ टोटल 5 फीचर कवर कर लिए हैं। सेक्स फीचर विच आई टोल्ड यू होती मेरा फेवरेट है, एंड जो लोग GST यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। बट उससे पहले मैं एक बार 7th कवर कर देता हूँ, बहुत छोटा है वो, ये कि हमारे में ऑलरेडी है कि आप एक्सेल से इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कस्टमर सप्लायर फ्रॉम एक्सेल। इसमें जो हमने लास्ट अपडेट में लाए थे अकाउंट ग्रुप, क्रेडिट लिमिट, रिमार्क्स, वो भी इम्पोर्ट कर पाएंगे आप वाया एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम ऑलरेडी सैम्पल फाइल देते हैं आपको, इम्पोर्ट यहाँ पे हम ऑलरेडी सैम्पल फाइल देते हैं, सैम्पल फाइल में ये तीनों चीज़ें भी आप डाल पाएंगे। तो ये एक माइनर चेंज हुआ है इसमें, पहले नहीं था क्योंकि फीचर पिछले अपडेट में आया है, तो इस अपडेट से आप एक्सेल में भी इम्पोर्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट फीचर, टेम्पलेट नंबर 3 जो न्यू आया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या नया है उसमें। यहाँ पे देखिए 3 नए टेम्पलेट हैं, टेम्पलेट 3, टेम्पलेट 3 बॉक्स एंड टेम्पलेट 3 कलर बॉक्स। हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कलर बॉक्स। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज ये कलर रख लेता हूँ, आपकी चॉइस है आप क्या रखना चाहते हैं, फोरग्राउंड कलर आप वाइट, ब्लैक, कोई भी कलर रख सकते हैं, मैंने वाइट रख दिया। टेम्पलेट 3 कलर बॉक्स, और मैं एक नई न्यू कंपनी बना लेता हूँ तो ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं आपको। मुझे शो एक नई कंपनी बना ली है मैंने, ये फर्स्ट टाइम जब सेटअप होता है थोड़ा सा टाइम लेता है वो सारा पीछे सेटअप करने के लिए। चलिए इसमें मैं ये अपनी कंपनी का लोगो भी डाल देता हूँ मैं इसमें, ये मेरी कंपनी का लोगो है, एंड सिग्नेचर भी डाल देता हूँ मैं इसमें। चलिए एक आइटम भी बना देते हैं इसमें, गिटार। आप इसमें डिटेल आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, आइटम इमेज पे आ जाते हैं। ये एक और आइटम बना दी मैंने इसमें, एंड वन मोर आइटम। तीन आइटम बना दिए मैंने इसमें, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 3 आइटम बना दिए मैंने इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब एक बिल बना के देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए ना, बिल में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज हुआ है बिल में। और मैंने टेम्पलेट की सेटिंग की थी, यस, ये कलर टेम्पलेट की कलर बहुत सेवरिन परफेक्ट।
एक इनवॉइस बना रहे हैं हम, इसमें कैश पे ही बना देते हैं। ठीक है, मैंने ये बना दिया इसे। आइटम गिटार वन नंबर, व्यू करते हैं इनवॉइस। मैंने इसे एंड प्रिंट पे जाते हैं, आप ये देखिए आप इनवॉइस कितना कलरफुल ब्यूटीफुल इनवॉइस। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज हो सकता है, सिग्नेचर चेंज हो सकता है, ये सारे फीचर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिर्फ नया टेम्पलेट आया है ये। आप इस टेम्पलेट में क्या नया आया है वो देखते हैं। वो है डिटेल ऑफ रिसीवर एंड डिटेल ऑफ कंसाइनी, जिसे कंसाइनर कंसाइनी भी बोला जाता है, जिसे बिल और शिप भी बोला जाता है, बिल टू शिप टू, या बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस भी बोला जाता है। ये फीचर इसमें नया है। अगर आप GST यूज करते हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम का है, ये टेम्पलेट आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैं आपको एक प्रॉपर GST का बिल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। GST इंडिया ऑन कर देते हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए एक नई पार्टी बना लेते हैं, रजिस्टर्ड है हमारे पास एंड ये दिल्ली से हैं 110045 एंड NZ98 पंजाबी बाग। ये मैंने पार्टी बना ली सुरेश, इससे नाम पे बिल बनाते हैं। बिल बनाते हुए इन्होंने बोला कि मुझे डिलीवरी यहाँ नहीं चाहिए, मुझे जो डिलीवरी है वो मुझे नोएडा वाले एड्रेस पे चाहिए, ठीक है, मुझे डिलीवरी यहाँ पे नहीं चाहिए। एंड देन एड्रेस भी इन्होंने अपना नोएडा का बताया कि मुझे वहाँ पे डिलीवरी चाहिए। चलिए आइटम डाल देते हैं इसमें। जो इनकी डिटेल थी बिलिंग डिटेल, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो थी दिल्ली की, लेकिन इनको डिलीवरी चाहिए नोएडा में। तो आप अगर देखें ध्यान से सॉफ्टवेयर की ब्यूटी की मैं बात करूं, तो जैसे ही आपने नोएडा लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा, इसने ऑटोमेटिक इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लिया और प्लेस ऑफ सप्लाई में उत्तर प्रदेश डाल दिया।
ये सॉफ्टवेयर का फीचर है। सॉफ्टवेयर का यही ब्यूटी है कि आपका काम आसान कर देता है। आपने जैसे ही यहाँ पे डाला कि मुझे यूपी में डिलीवरी चाहिए, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट कर दिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर दिया, एंड उससे बेस पे यहाँ पे IGST भी आ गया। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट की, इसमें क्या नया आया है। सेव एंड व्यू करते हैं इसे। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें बिल्ड टू सुरेश इन द दिल्ली का एड्रेस, फोन नंबर दिल्ली का, GST नंबर। शिप टू में सुरेश इनका नोएडा का एड्रेस, उत्तर प्रदेश का, वहाँ का फ़ोन नंबर, वहाँ का GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी 09 उत्तर प्रदेश। ये नया फीचर है, ये नया टेम्पलेट है। बिल्ड टू और शिप टू दो अलग अलग चीज़ें इसमें दिखा रहा है आपको, एंड इसमें बाकी जितने भी ऑलरेडी फीचर्स हैं लाइक सेल्स पर्सन, परचेज ऑर्डर नंबर, डिस्पैच डिटेल, ई वे बिल नंबर, वो सारी डिटेल इसमें आ सकती है। और टेम्पलेट पूरा का पूरा बैकवर्ड कंपैटिबल है, जिसमें पुराने सारे फीचर आ सकते हैं। एंड नया फीचर इसमें बिल टू और शिप टू, अगर आप GST यूज कर रहे हैं तो ये टेम्पलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ऑफकोर्स आप इसे कलरफुल बना सकते हैं आप जैसा चाहें। इसमें अगेन तीन टाइप के हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट थ्री बॉट्स एंड कलर बॉट्स। जो सिंपल बॉट्स है उसमें ब्लैक एंड वाइट है, उसमें आप कलर नहीं दे सकते हैं। मैं आपको एक बार तीनों दिखा देता हूँ। टेम्पलेट थ्री, अगर मैं बॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पर प्रीव्यू भी आता है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रहेगा, इसमें आप कलर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो आप इसमें कलर दे सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका जो लोगो है, अगर आप लोगो से मैच होता हुआ कलर दें तो वो अलग से निखर के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, अगर आपका लोगो है उसी टाइप का आप कलर दें तो वो अलग से दिखाई देता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वो। अगर आपका आइटम्स है, आप स्पोर्ट डिलीवरी में हैं, आप जो भी आपका लोगो का कलर है आप अगर वही डाल दें इसमें, और प्रिंट आउट अगर आप कलर निकाल रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये था टेम्पलेट थ्री जो हमने कवर किया, जो नया टेम्पलेट आया है। ये एक्चुअल में तीन नए टेम्पलेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेम्पलेट थ्री बॉट्स जिसमें कोई कलर नहीं है, टेम्पलेट थ्री कलर बॉट्स। तो अगर हम बुक कीपर की बात करें अभी, तो इसमें काफ़ी सारे इनबिल्ट टेम्पलेट हैं, लाइक डिफॉल्ट नन जिसमें कोई टेम्पलेट नहीं यूज हो रहा, टेम्पलेट वन, टेम्पलेट वन बॉट्स, फुल बॉट्स, कलर बॉट्स, देन टेम्पलेट टू एंड थ्री में अगेन तीन नए टेम्पलेट। तो टोटल 10 टेम्पलेट्स बुक कीपर में ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया टेम्पलेट आए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप कस्टमाइज में जाके कर सकते हैं। इसके लिए आप तो थोड़ी सी HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए, वो हमारे FAQ पेज पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के आप बना सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। टोटल 7 न्यू फीचर्स इस नए अपडेट में। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इनके रिगार्डिंग, इन फीचर्स से रिगार्डिंग, या पुराने जो भी फीचर्स हैं या सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है। अगर आपको डेमो चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके लोकेशन पर आके हम आपको एक्सप्लेन करें, अगर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि हम पूरा सेटअप करके दें आपको, तो आप इसी नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं या मेल कर सकते हैं। वी ट्राई कि हम आपकी लोकेशन पे आके आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सेटअप करके दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं।